हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो जियो ने कल ही चेंज किया है अपना प्लान। वो अभी आपसे 6 पैसा लेंगे पर मिनट का बात करने के लिए। पर आप चिंता में मत पड़ जाना, क्योंकि आपको जो डेटा मिलती है नेट, वो आपको वही सेम मिलेगा जैसे आप अपना रेगुलर प्लान लेते हो। बस आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी जियो कस्टमर्स है, और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी मिलते रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आखिर हम इसका क्या करें। तो देखते रहे इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जियो जो है वो अभी हमसे 6 पैसा लेगा और सभी कस्टमर से, यानी कि सभी यूज़र्स से जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं जियो के। तो ये बेसिकली 6 पैसा जो है वो जियो खुद का नहीं ले रहा है या फिर वो किसी ऑपरेटर का नहीं है, ये लगाया है TRAI ने, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये जो है इन्होंने जो है वो 6 पैसा लगाया है, और ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। जियो जब पैदा ही नहीं हुआ था उससे पहले ये था, इसीलिए पहले हमको एयरटेल वोडाफोन के जो नेट पैक्स या फिर उनके कॉल जो है वो महंगे मिलते थे, 10-10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता था। पर जब से जियो आया तो उसने सोचा कि हम जो है वो इतने साल का लॉस जो है वो झेल लेंगे, यानी कि ये अभी तक हमको फ्री दे रहे थे, तो उनको टोटल जो है 13 करोड़ का लॉस हुआ है लगभग से। तो उन्होंने ये भी बातें बता दी है अभी कल। तो उनको लगा था कि IUC जो है वो एक समय में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2020 तक, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे TRAI की तरफ से। पर ऐसा नहीं हुआ, तो जियो ने फाइनली कंफर्म कर दिया है और सभी लोगों को बता दिया है कि ये जो है वो अभी 6 पैसे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और ये सिर्फ TRAI के पास जाएंगे और जियो खुद का नहीं लेगा। हाँ, अगर ये TRAI जो है वो IUC चार्ज हटा देते हैं तो जियो वापस वैसे था वैसे ही हो जाएगा नॉर्मल। तो जैसे आप देख सकते हैं प्लान्स में, वहाँ पर आपको जो प्लान्स है वो नॉर्मल दिखाई रही है, यानी कि आपको वो रेगुलर आपके पैक्स मिल रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं, यानी कि उनमें कोई आपको एडिशन देना नहीं पड़ेगा नेट में। पर आप तो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10 रुपये देने पड़ेंगे, उस पर आपको 124 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे सिर्फ बात करने के लिए। पर हाँ, नेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके बाद में जैसे आप नीचे जाते हो फिर से आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये आप जैसे आप चाहे चूज़ कर सकते हो, पर हाँ ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो मेरी मानो तो आप सिम कार्ड स्विच कर सकते हो, एयरटेल का ले सकते हो या फिर आईडी का। पर हाँ, आगे जाकर ये भी कंपनी ऐसे कर सकती है। और ये जो 6 पैसा है, जब भी आप जियो से किसी और को कॉल करते हो, समझो एयरटेल को या फिर एयरटेल से वोडाफोन को करते हो, तो ये जो जियो से आप एयरटेल को करते हो कॉल, तो एयरटेल को जो है जियो से 6 पैसा पर मिनट लेना पड़ता है। तो यही 6 पैसा जो है वो इतने साल जियो अपने खुद से दे रहा था, तो जियो ने इतना सारा किया है। और हाँ, शायद से आगे चलकर नेट का चार्जेस है वो भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जियो की जो है वो मोनोपोली बढ़ गई है, क्योंकि जियो जो करेगा वो सारे कंपनीज करेंगे, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। तो मुझे लगता है शायद से अभी वो भी 6 पैसा लगाना शुरू करेंगे अपने आउटगोइंग कॉल्स पर। अभी तो जियो फेमस हो गया, तो अभी जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है अपनी तरफ से। और हाँ, इस पर सोल्यूशन ये है कि आप जो है अपना वीडियो कॉल कर सकते हो नेट यूज़ करके, या फिर वॉइस कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। पर हाँ, आप जो है अगर नॉर्मल कॉल करते हो आउटगोइंग अपने फ़ोन से, तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा। बस सिंपल सी चीज़ है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।